हमको बता दो तो हमारी भी टरक जाए। सोचो अरे कारे दे रोगा इका कुतर पाँच चल रहा है ना 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 कछु नहीं कुछ आंटी इनका दिमाग खराब हो गया है हिल गए। अरे तब पगला गया है तो पागल खाने भेज दो। पागल खाना है? पागल खाना कौन जा रहा है पागल खाना है? अम्मा जी अम्मा जी छोड़ी छोड़ी आप कुछ भूल रही हैं। आप जा रही हैं ना, आप कुछ भूल रही हैं। लेकिन का भूल रहे हैं पगलेट? अरे आप अपने गुरिल्ला भूल रही हैं। गुरिल्ला गुरिल्लाओं को ले जाइए। ओ हाँ हाँ इतने हम भूले गए थे, अभी लेके जाते हैं। अम्मा जी को रोकिए तिवारी जी, वरना लौंडों का ऐसा बैंड बजाएंगी कि हफ्ते भर दुम उठाए फिरेंगे। क्या करें? अम्मा एक काम करो ना, इन दोनों को यही छोड़ दो, हमें जंगलों में छोड़े आएंगे। हम मासूम लौंडे, मतलब मासूम जानवर है ना। अरे काहे जंगल में छोड़ देंगे? हाँ हम इन लोग को गांव ले जाएंगे और अपना खेत जुतवाएंगे बैलों की तरह। नहीं अम्मा जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा जी हम तो नहाते ठीक है। I like it. अरे सारे हरो तुम्हारे गोरल्ले बने हो। अरे यार अब तो दे दो चाबी, थोड़ी सोले हम ढंग से। I like it. चलो कोई केले दे जाता तो अच्छा था, थोड़ी भूख सी लग रही है। माँ कुछ बोले का हम समझे नहीं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है। अभी भी माइंड फटे का गुजिया। हाँ लीजिए ना, अभी गरम गरम उतारे हैं। असनी बरबुदी जी बोलते तो जाइए, बुरा ना माना होली है। बुरा ना माना आई लव यू। क्या बोले? नहीं बुरा ना माना होली है। सही पकड़े हैं। आई लव यू। तू जल्दी से पहले फोटो सेलेक्ट करके मुझे भेज। हाँ ओके बाय बाय। आइए आइए तिवारी जी। भाभी जी ये इतनी सारी पोशाक है, ये सब किस लिए? मैंने नई ड्रेस बनवाई है होली के लिए, तो मैं सोची हूँ कि कौन सी ड्रेस पहन के होली खेलूँ। आप बताइए ना कौन सी अच्छी लगेगी। अच्छा बिल्कुल भाभी जी। मेरे ख्याल से भाभी जी आप पर ये सफेद परिधान आप पे बहुत सूट करेगा भाभी जी। इसमें आप बिल्कुल वो जया भादुरी की तरह लगेगी भाभी जी। अरे जया भादुरी की तरह तो मुझे बहुत पसंद है। जी वही जय वीरू, अमिताभ धर्मेंद्र वाली फिल्म। तिवारी जी क्या तरीका है, क्या जरूरत है मुझे उस फिल्म की जया भादुरी से कंपेयर करने की? भाभी जी उसमें क्या समस्या, वो तो बहुत उम्दा अभिनय किया था जया जी ने। क्योंकि तिवारी जी
उस फिल्म में जय भादुड़ी ने सफेद पोशाक इसीलिए पहनी थी क्योंकि वो विधवा थी। अरे यार, दरअसल हम भभूती जी को इस गिनती में गिनते ही नहीं। देखिए फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमने कहा भाभी जी हमसे, हमें याद नहीं रहा, हमें माफ कर दीजिए। कभी-कभी बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हैं। खैर वो सब छोड़िए ना भाभी जी, ये बताइए कि होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? अरे तिवारी जी, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं जम कर भांग पीऊंगी और जम के होली खेलूंगी। क्या बात है भाभी जी, तब तो आपके साथ भांग पीकर आनंद आ जाएगा। तिवारी जी लेकिन ध्यान रखिए, मैं भांग पीने के बाद बहुत पिटाई लगाती हूँ। आपको पता है पिछली बार जब मैंने भांग पी थी ना, तो विभू को बहुत पीट दिया था। कर वो तो है इस लायक। अरे यार सक्सेना, ऐसे मौके पे भी तुम ना ले रही यार। अरे दरोगा जी, जिसके ऊपर पागलपन का खूबसूरत नशा चढ़ा हो, छाया हो, उसको शराब के नशे की क्या जरूरत है। क्या कहा, बात खूब भाई, बात खूब। क्या कह गए यार, सकते ना, छा गया तुमसे। बात तो पागलपंती की है, लेकिन फिर भी बात में दम है। बेशक। आई लाइक इट। भाई मेरा मानना यह है कि हर एक इंसान किसी ना किसी नशे का शिकार होता है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अमीरों को दौलत का नशा, वाह। गरीबों को भूख का नशा, वाह। अरे वाह, क्या। और दरोगा को दरोगाई का नशा। भैया तिवारी, तुम जो बताओ फिर, तुम्हें कौन सी चीज को नशो है गो? कच्चे बनियान को नशो है गो। और इन्हें नल्लेपन का नशा। अरे यार ठीक है, तुम यहाँ ठहर जाओ ना। तुम्हारे यार त्योहार के दिन भी कसम से कह रहे चिरान फैला रहे हो। चिरान हम फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। ठीक है ना यार, तुम इन्हीं के त्योहार के दिन भी इन्हीं के पीछे घुस जाओ। तुम जो बताओ तिवारी, आखिर तुम्हें कौन सी चीज को हमेशा नशा रहते हुए? भाभी जी को। अबे आप सबकी भाभी, अंगूरी भाभी का नशा रहते हुए। और विभूति भैया, आप पे किसका नशा चढ़ा रहता है? भाभी जी का। अब ऐसे आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी अंगूरी, आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। और गोरी मैम, आपको तो बहुत ही ज्यादा मुबारक हो। आपको भी अप्पू सिंह जी। हैप्पी होली भाभी जी। हैप्पी होली तिवारी जी। भाभी जी, आपको होली मुबारक हो। और आपको चरण याद है ना मेरा? हाँ हाँ, हमको तो बहुत अच्छे से याद है। आपको याद है कि नहीं? कैसा चैलेंज? हाँ वो कहा है ना कि भरभूति जी हमको चालान दिए हैं। भाभी जी चैलेंज सही पकड़े हैं। पूना हमको चुनौती दिए हैं कि हमको इस बार होली पे रंगों से सराबोर कर देंगे। ओ पहलवान, पहलवान। भाई मैं हूँ गिर्री। गिर्री भैया आ रहे हैं, समझे? ये वही लौंडे हैं जिन्होंने बुलबुल भाभी के ऊपर रंग डाला था। हम खुद अपना गर्लफ्रेंड के ऊपर रंग नहीं डालता हूँ। काहे? अरे रंग पड़ता है उसका पागलपन का दौरा शुरू हो जाता है। अरे इस पे टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, उन्हें शौक दीजिए ना, शौक से ठीक हो जाएंगे हम। और फिर ऐसी गर्लफ्रेंड पालने का क्या फायदा जिसे इतनी भयंकर बीमारी हो। भाड़ में जाने दो और हमें होली खेलने दो।